नमस्कार किसान भाइयों, किसान विलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं अगस्त और सितंबर के महीने में की जाने वाली सब्जियों की खेती के बारे में, किसका आप बहुत ही कम समय में कैसे उत्पादन करके अच्छा लाभ इसकी खेती में कमा सकते हैं। इनमें से आप इन 10 सब्जियों का चुनाव अगर आप करते हैं तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम लागत में आप इसमें बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आपको पता है कि अगस्त के महीने में बारिश का समय होता है और पुरानी सभी सब्जियां इस समय ख़त्म होने के लगभग होती है या खत्म बारिश के कारण ख़त्म हो जाती है। इसमें कुछ सब्जियों पर प्रभाव गर्मी का पड़ता है जिसके कारण वो ख़राब हो जाती है और कुछ सब्जियां अधिक गर्मी के बाद में बरसात अधिक होने के कारण उसके कारण ख़राब हो जाती है, जिसके कारण इस महीने में और सितंबर के महीने में सभी तरह की सब्जियों का भाव बहुत ही हाई होता है। अगर आप भी कुछ खाली पड़ी हुई ज़मीन में इन 10 सब्जियों में से किसी एक का भी चुनाव करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी आय इसकी खेती में हो सकती है। अगस्त का महीना किसानों के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। इसमें आप छोटे छोटे टुकड़ों में इन सब्जियों की बुआई करके बहुत ही अच्छा लाभ और अच्छी आय इसमें कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे किसानों के पास में ज़मीन बहुत कम है, इसलिए वो इन 10 फसलों में से अगस्त या सितंबर के लगभग में छोटे छोटे टुकड़ों में इन फसलों की बुआई करते हैं और उनसे लंबे समय तक अच्छा उत्पादन लेते रहते हैं और इसमें ये बदल बदल कर फसल बोते हैं जिसका लाभ भी इन्हें मिलता है। अगर अगस्त के महीने में आप इन 10 सब्जियों में से किसी भी एक का चुनाव या दो का चुनाव करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए आप अपने क्षेत्र के अनुसार फसल का चुनाव करें कि कौन सी फसल का आपके इस क्षेत्र में इस समय पर अच्छा भाव रहता है, तो उससे आप बहुत ही अच्छी आय कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिए और हमारे किसान विलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो में आपको आगे जानकारी देने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे किसान विलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी और भी अन्य वीडियो आप देख सकते हैं जिनमें खेती से संबंधित हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो है, जिसमें अधिकतर वीडियो हमारी मिक्स क्रॉप के बारे में, जिसमें आप एक फसल के साथ में दूसरी फसल कैसे ले सकते हैं। वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो आपको दो पार्ट में मिलेगी। पहले पार्ट में वो उस फसलों को मैंने शामिल किया है जो आपको 50 से 70 दिन के अंदर उत्पादन देके समाप्त होने के कगार पे होगी, या फिर दूसरे वीडियो में मैंने उन फसलों का चुनाव किया है जो आपको 80 से 100 दिन के लगभग में उत्पादन देगी। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और इसका जोड़ आप भी लगा सकते हैं, आपको कितना उत्पादन मिलेगा, कितना खर्चा आपका आएगा, उसके अनुसार आप अपनी फसल का चुनाव कर सकते हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र में कौन सी फसल की डिमांड अधिक होती है और कौन सी फसल का भाव किस समय अधिक रहता है। अब ये फसलें हैं कि जिनमें हम हमेशा लगाते रहते हैं और इनमें हम अच्छा लाभ इनमें लेते रहते हैं। तो पहले नंबर पे है पालक और चौलाई। तो पालक और चौलाई की खेती हमारे यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होती है और यहाँ इसकी खेती हमारे यहाँ पर 12 महीने चलती रहती है। तो हम पहली बुआई पालक की जब करते हैं तो हम पहली बुआई पालक की गर्मी में करते हैं, फरवरी से मार्च के बीच में, जिसके अंदर हमें अच्छा उत्पादन मिल जाता है और अच्छा भाव भी मिल जाता है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे सभी समय पर पालक की बुआई होती रहती है और अधिक गर्मी आने के बाद में अप्रैल और जून के लगभग में पालक की बुआई यहाँ पे नहीं के बराबर होती है। जून के बाद में फिर से इसकी बुआई होने लगती है जिसमें इसका बीज भी अच्छे तरीके से अंकुरण हो जाता है और इसमें हमें उत्पादन भी बहुत ही अच्छा मिल जाता है। और इसकी बुआई बरसात के टाइम पे, बरसात में जैसे जुलाई से लेके आप अगस्त तक आराम से कर सकते हैं, सितंबर में कर सकते हैं, अक्टूबर में कर सकते हैं जिस समय सर्दी कम होती है, और अगस्त में जब थोड़ी सी गर्मी कम हो जाती है तो इस समय भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं और इसमें अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा और इसमें सबसे बड़ी बात है इसमें आपको भाव भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। अभी हमारे यहाँ पर पालक की खेती लगभग बरसात के कारण सब जगह समाप्त हो चुकी है। जिनके भी किसी के फसल बची है तो उनको अभी 30 से 40 रुपए का भाव पालक की खेती में मिल रहा है। तो आप अभी पालक की बुआई करके अगस्त से सितंबर तक अच्छा मुनाफा आप इसकी खेती में ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर है चौलाई। इसकी खेती भी हमारे यहाँ पे पालक के साथ में ही शुरू हो जाती है। चौलाई की बुआई हमारे यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च के लगभग और अगस्त से सितंबर के लगभग में होती है। इस समय आप इसकी बुआई करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा लाभ इसकी खेती में आपको मिलता है। इसकी कटाई भी आप पालक की तरह ही 5 से 6 बार आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोषण का ध्यान रखना पड़ता है। समय समय पर आपको पालक की खेती में पानी की अधिक आवश्यकता होती है और पोषण की अधिक आवश्यकता होती है। इसका आप ध्यान रख के पालक और चौलाई की खेती में बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो फसल आती है वो है धनिया की फसल। इसकी खेती भी आप करके बहुत ही अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसकी खेती में भी आपको लाखों की आय हो सकती है।
इसके लिए आप कुछ थोड़ी सी ज़मीन में भी अगर आप इसकी खेती अगेती करेंगे तो आपको अच्छा लाभ इसकी खेती में मिल जाएगा। हमारे यहाँ पे गर्मी में धनिए की आवक जयपुर और अजमेर से होती है, जो हमारे यहाँ पे मार्च से लेकर के जून जुलाई तक होती है, और अगस्त तक हमारे यहाँ पे बाहर से ही धनिया आता है, जिसका भाव हमारे यहाँ पे 50 से लेकर 100 रुपये के बीच में होता है। और अगस्त से सितंबर के बीच में हमारे यहाँ पे धनिया की बुआई हमारे यहाँ पे लोकल में होने लगती है, जो भी अगेती होती है। सही तरीके से हमारे यहाँ पे धनिया की बुआई अक्टूबर में होती है। अगर आप अगस्त और सितंबर के बीच में अगर धनिया की बुआई करते हैं तो आप अच्छा उत्पादन इसमें ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा आपको इसकी खेती में मिलेगा। हवा बहुत अधिक तेज चल रही है, जिसके कारण वीडियो की वॉइस में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। इसके लिए आप वीडियो को आराम से देखिए और समझने की कोशिश करिए। दूसरे नंबर पर जिस फसल का चुनाव हम करते हैं वह है पलरा, यानी कि गाजर की खेती। गाजर की खेती हमारे यहाँ पे बहुत कम होती है। हमारे यहाँ पे गाजर की खेती पलरे के लिए सबसे अधिक मात्रा में होती है। पलरा मतलब गाजर के ऊपर आने वाले पत्तियों को बोला जाता है, जिसकी खेती हमारे यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। इसकी कटाई हम यहाँ पर 7 से 8 बार आसानी से कर लेते हैं, और अगर इसकी बुआई अगस्त के महीने में और सितंबर के शुरुआती सप्ताह में इसकी बुआई करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ और अच्छा भाव इसकी खेती में मिल जाएगा। हम यहाँ पे पलरे की 7 से 8 कटाई 10 कटाई आसानी से कर लेते हैं, और इसका भाव हमें सितंबर से लेके अक्टूबर तक अच्छा मिलता रहता है। जो भाव हमें मिलता है वह 10 रुपये से लेके 30 रुपये के लगभग में हमें मिल जाता है। तो हमारे यहाँ पे इसकी कटाई बार बार की जाती है और इससे हम अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। तो आपके इलाके में भी अगर इसकी डिमांड है तो आप इसकी खेती कर सकते हैं, और इसकी बार बार कटाई करके आप भी अच्छा लाभ इसमें ले सकते हैं। 5वें नंबर पर जो फसल आती है वह है चुकंदर की खेती। चुकंदर को सलाद और जूस के रूप में काम में लिया जाता है, तो इसकी डिमांड गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होती है, और गर्मी के इसके पौधे मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और गर्मी में यह आसानी से नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप अगस्त या सितंबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आप इसके अगस्त में बुआई कर देते हैं तो सितंबर के निकलते निकलते या अक्टूबर में आपको इसका उत्पादन मिलने लगता है, जिसके कारण इसका भाव हमें अक्टूबर में नवंबर तक 20 से 40 रुपये के बीच में आसानी से मिल जाता है। और बरसात में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आपके तापमान अधिक नहीं रहता है तो आप इसकी बुआई पहले भी कर सकते हैं, और अभी सबसे अच्छा समय है चुकंदर की बुआई करने का। इसका सबसे अच्छा लाभ यह है कि यह जल्दी से ख़राब नहीं होता है। अगर आपको इसको तैयार होने के बाद में भी 20 दिन भी इसको खेत में रखेंगे तो भी यह जल्दी से ख़राब नहीं होगा। इसमें मुख्य तौर पर समस्या आती है फल के फटने की, उसके पहले आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं। 6वें नंबर पर जो फसल आती है वह है मूली की खेती की, जिसके वीडियो मैंने पिछले महीने में भी बनाए थे और इस महीने में भी मैंने बनाए। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है मूली की खेती के बारे में, मूली में लगने वाले रोग के बारे में, और मूली की अच्छी अच्छी वैरायटी के बारे में। इसके 3 वीडियो हमारे पिछले महीने के अंदर हमने लगाए हैं, और मूली की खेती भी हमारे एक मित्र ने पिछले महीने में की है। इस समय उनकी फसल समाप्त हो चुकी है। उनको मूली की खेती में अभी 40 से 50 रुपये के बीच में भाव मिला था, जो अभी भी अगर हमारे इलाके में गर्मी के मौसम में मूली की खेती नहीं होती है। हमारे इलाके में मूली की खेती गर्मी में होती है अगस्त से सितंबर के बीच में, जो भी अगेती मानी जाती है यहाँ पर। ये 6 फसलों का चुनाव हमने जो किया है, ये सभी फसलें ऐसी हैं जिनको आप 50 से 70 दिन में उत्पादन कर सकते हैं इनका, और अच्छा लाभ इसकी खेती में ले सकते हैं। जिसमें कुछ कटाई वाली फसलें हैं तो कुछ सीधी निकाल कर बेचने वाली फसलें हैं, जैसे चुकंदर हो, मूली सीधी एक ही बार में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। जैसे धनिए, पालक, चौलाई और पलरा की खेती आप बार बार कटाई करके ले सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी फसलें हैं। इनको आप 1 क्यारी में 2 क्यारी में 4 क्यारी में पहले साल आप करके देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ। हमारी आगे आने वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए, जिसमें भी आपको अच्छी अच्छी फसलों की जानकारी हम देंगे। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे किसान विलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।